प्यारे बच्चों, PVM e-learning में आपका स्वागत है। बच्चों, आज हम सातवीं क्लास के विश्व व्यापक प्रेम इस कविता को पढ़ेंगे और समझेंगे। बच्चों, हमारा देश जो है, इस देश में कई मजहब के मानने वाले लोग रहते हैं और सब अपने अपने तरीके से ईश्वर की, खुदा की इबादत किया करते हैं, पूजा किया करते हैं। कुछ संत लोग भी हमारे यहाँ पर हो गुजरे हैं, जैसे संत कबीर, संत ज्ञानेश्वर, संत नामदेव। उनमें से एक संत तुकोर जी महाराज भी है। आज हम ये जो कविता पढ़ने जा रहे हैं, इस कविता के लेखक का नाम है संत सुखदेव जी महाराज। आइए बच्चों, इनके बारे में हम आज मालूमात हासिल करते हैं। संत सुखदेव जी महाराज का जन्म जो है 1909 में यावली महाराष्ट्र में हुआ और आपकी मृत्यु जो है 1968 में हुई। इनकी रचनाएं हैं ग्राम गीता, लहर की बरखा और इनका परिचय है मानवता ही पंथ मेरा। मानने वाले टुकड़ो जी महाराज का जीवन हमेशा अच्छा रहा। शांति के पथ पर बढ़ते हुए अपने सामाजिक क्रांति का मार्ग बताए। प्रस्तुत पद में राष्ट्र संत टुकड़ो जी ने ईश्वर की विश्व व्यापकता एवं गुरु की कृपा के महत्व को दर्शाया है। बच्चों, अब हम इस कविता को गौर से पढ़ेंगे। हर देश में तू, हर देश में तू, तेरे नाम अनेक तू एक है, तेरी रंग भूमि ये विश्व भरा, सब खेल में मेल में तू ही तू है, तेरे नाम अनेक तू एक ही है। सागर से उठा बादल बन के, बादल से फटा जल हो गए, फिर नहरी बनी नदियाँ गहरी, तेरे भिन्न प्रकार तुम्हें है, तेरे नाम अनेक तुम्हें है। चीटी से अनु परिमाणु बना, सब जीव जगत का रूप लिया, सब जीव जगत का रूप लिया, कहीं पर्वत रुक सुविशाल बना, सौंदर्य तेरा तू एक ही है, सौंदर्य तेरा तू एक ही है, तेरे नाम अनेक तू एक ही है। यह दिव्य है जिस, ये दिव्य लिखाया है जिसने, वो है गुरुदेव की कुल दया, वो है गुरुदेव की कुल दया। कुकुया कहे कोई ना और किसा, बस मैं और तू सब एक ही है, बस मैं और तू सब एक ही है, तेरे नाम अनेक तू एक ही है। प्यारे बच्चों, अब हम इसको गौर से समझेंगे। संत टुकड़ो जी महाराज का कहना है इस कविता में कि हर देश में तू, हर देश में तू, हे ईश्वर, हे खुदा, तू हर देश में है और हर रूप में है। देश के मायने है
रो। हे मेरे पाप परवरदिगार, तेरे नाम अनेक है, तेरी पूजा करने वाले अलग है, सब अलग है, सब अलग है, लेकिन रास्ता सबका एक ही है। सबका रास्ता एक ही तरफ जाता है और तेरी ही इबादत करते हैं, तेरी ही पूजा करते हैं। तेरी रंग भूमि ये विश्व भरा, तेरा रंग मंच सब एक ही है। सब खेल में मेल में तू तू ही तू है। है ईश्वर सब तरफ, है खुदा तू हमें सब तरफ एक जैसा ही नजर आता है, सब तरफ एक जैसा ही दिखाई देता है। सागर से उठा बादल बनके, सागर पे जिस वक्त सूरज की किरणें पड़ती है और वो भाप बनकर ऊपर उठता है और वो बादल बन जाता है, फिर बादल से फटा जल होकर, फिर जिस वक्त बादल को ठंडी हवा लगती है तो वो पानी बरस बनकर बरसने लगता है और उसके पानी बरसने की वजह से फिर नहर बनी नदियाँ गहरी। नहर बन जाती है, पानी बरसता है तो नदियाँ बन जाती है, गहरी नहर बन जाती है। तेरे भिन्न प्रकार तू एक ही है, तेरा रूप अलग है, तेरे प्रकार अलग है, लेकिन ऐ ईश्वर है खुदा तू सब में एक ही है, एक ही जैसा है सबकी नजरों में। रास्ते भिन्न भिन्न है, अलग अलग है, लेकिन तू ऐ ईश्वर तू एक ही है। चींटी से भी अणु परमाणु बना, चींटी से भी अणु परमाणु बना, छोटी सी चींटी है, छोटी सी मुंगी है, उससे छोटा सा पदार्थ जलवायु, सब जीव जगत का रूप लिया, सब तरफ जीव जगत का रूप लिया, सब तरफ एक जैसा ही नजर आया है। मेरे पाक परवर दिगारे आलम, है मेरे ईश्वर टुकड़ो जी महाराज कहते हैं, सब तरफ तू एक जैसा ही है, सबकी नजरों में एक जैसा ही है, इबादत करने के तरीके अलग अलग है। कहीं परवर वृक्ष विशाल बना, ऐ खुदा तू कहीं ऊंचा पहाड़ बना, कहीं पेड़ बना, कहीं पर्वत बना, बहुत ऊंचा बना। सौंदर्य तेरा तू एक ही है, ऐ मेरे पाक विन्यास, ऐ मेरे ईश्वर खूबसूरती तेरी, सौंदर्य के मायने है खूबसूरती, खूबसूरती तेरी है, तू सब तरफ एक ही है, एक जैसा ही है। ये दिव्य दिखाया है जिसने, ये अनदेखा ये जो रूप दिखाया है जिसने, वो है गुरुदेव की पूर्ण दया, ये मेरे उस्ताद की पूर्ण दया है, पूर्ण मेहरबानी है, पूरी मेहरबानी, पूर्ण यानी पूरी, और गुरुदेव यानी मेरे उस्ताद की पूरी मेहरबानी है। ये संत टुकड़ो जी महाराज कहते हैं, टुकड़िया कहे ना कोई और दिखा, अब कोई और मत दिखा, बस मैं और तू, बस मैं और तू सब एक ही है, बस मैं और तू सब एक ही है। इस तरीके से संत टुकड़ो जी महाराज को विश्व व्यापक प्रेम में खुदा ईश्वर सब तरफ फैला हुआ है और सब उसी की कृपा है और उसी के जरिए से हम सब रास्ते अलग अलग है, लेकिन खुदा के पास सबको एक दिन लौट कर जाना है। और इस तरीके से संत टुकड़ो जी महाराज ने इस कविता में विश्व व्यापक प्रेम में ईश्वर की पूजा, ईश्वर की इबादत के बारे में, खुदा की बरकत के बारे में बताया।